हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास चुनावी पेशकश यूपी किसकी में। मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों याद दिलाए पुराने दिन, अखिलेश और चंद्रशेखर में कहां फंसा पेच, योगी आदित्यनाथ कहां से लड़ेंगे चुनाव, नामांकन के लिए गए किस उम्मीदवार को यूपी पुलिस ने धर दबोचा और चुनाव से पहले किसे मिलेगी जेल से रिहाई। यूपी चुनाव की हर पॉलिटिकल अपडेट लेकर मैं सुमित चौहान आपके सामने हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पॉलिटिकल टॉप 10 खबरें। पहली खबर, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मनाया अपना 66वां जन्मदिन। आयरन लेडी के नाम से मशहूर यूपी की चार चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती आज 66 साल की हो गई है। लखनऊ में मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन मनाया। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूपी चुनाव को जीतने की हुकार भी भरी। मायावती ने पहले चरण की 58 सीटों में से 53 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए केशव प्रसाद मौर्य पर जबरदस्त वार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मायावती ने किया पलटवार। वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। चुनाव से पहले मायावती ने दिखाया दम। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठा कर देख लो उसका राजनीति। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज अपना 66वां जन्मदिन मनाया। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए यूपी चुनाव को जीतने की हुंकार भी भरी। मायावती ने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला। उन्होंने मौर्य के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया। मौर्य ने सपा ज्वाइन करने के बाद कहा था कि जब से उन्होंने मायावती का साथ छोड़ा है वो सत्ता से बाहर हैं। जिसका मैं साथ छोड़ता हूँ उसका कहीं यता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी जिंदा, इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था, एको अहम द्वितीयो नास्ति। बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम को भूल गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को डुबोने का काम करने लगी। मानवर कांशीराम जी के आंख मूंदते ही मानवर कांशीराम जी का नारा बदल दिया था। जो मानवर कांशीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बहन मायावती जी, मानवर कांशीराम के इस नारे को बदलकर दूसरा नारा ईजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, का मतलब थैली वालों के पीछे खड़ी हो गई। मैंने विरोध किया, नहीं मानी, साथ छोड़ दिया। आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका। देखो, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठा कर देख लो उसका राजनीति। बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवा हवाई बातें हैं, तो वो बेकार है। आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जरूर जिस भी पार्टी में जाता, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, तो लेकिन वो नहीं माना। देखो उसकी लैंग्वेज आप लोगों को मालूम है, उनकी लैंग्वेज किस किस्म की है। जबकि आप लोगों को, जब हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच है उसको समझना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समतामूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। मायावती ने पहले चरण के 58 सीटों में से 53 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। वैसे आप लोगों को ये मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा के आम चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं।
और पहले चरण में 58 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और बीएसपी ने पहले चरण की जो 58 विधानसभा की सीटें हैं तो उनमें से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। तो आज मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर तो बीएसपी की जो उम्मीदवारों की सूची है तो उसको मैं पहले चरण की सूची आज मैं जारी कर रही हूँ 58 में से 53 विधानसभा की सीटों पर। जो ये सूची ये मैं आज जारी कर रही हूँ और इसकी कॉपी आप लोगों को मेरे प्रेस के बाद खत्म होने के बाद इसकी एक प्रति आप लोगों को दे दी जाएगी। मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़ कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मेरी सरकार ने, इस भदोही के नाम से जो नया जिला बना इसका नाम संत गुरु रविदास जी के नाम से रखा, लेकिन ये इतना दलित हितैषी है, इतना आदर सम्मान करता है कि सत्ता में आते ही उसने रविदास जी का जो नाम रखा था भदोही का उसको बदल दिया। आप समझ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश के बीच गठबंधन ना होने के सवाल पर बहन जी ने कह दिया कि ये सवाल तो आप उन्हीं से पूछिए। इस मौके पर मायावती ने अपने जीवन संघर्ष पर आधारित ब्लू बुक को भी लॉन्च किया। मायावती ने ऐलान किया कि वो इस बार भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। बीएसपी इस बार अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो मायावती का ये बयान सुनकर केशव प्रसाद मौर्य को अपने पुराने दिन जरूर याद आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी खबर है कि चंद्रशेखर और अखिलेश में गठबंधन नहीं हो पाया। आज लखनऊ से दूसरी खबर यही आई कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन पर बात नहीं बन पाई। आज चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। चंद्रशेखर और अखिलेश में नहीं बनी बात। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। आजाद ने अखिलेश पर बोला बड़ा हमला। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दलित समाज के लोग अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव पिछड़ों को एकजुट करने पर लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें दलितों की कोई जरूरत नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कही है। अखिलेश के साथ गठबंधन न होने के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया। को रोकने के लिए हमने कदम बढ़ाया, सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। और दो दिन में निराशा हुई कि एक महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर, फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं, लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। पिछले 2 महीने से अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच गठबंधन की सुख बुगाहट थी।
शुक्रवार को भी आजाद अखिलेश से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन सीटों पर पेच फंस गया और गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डरता, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पर बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब जाए जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते। दलित समाज, पसमांदा समाज, आपका दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या भरी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो 25-25% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना। आजाद ने कहा कि वो दलितों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। हालांकि आजाद ने कहा कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आजाद ने कहा कि वो अन्य विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। हुआ ये है कि अखिलेश जी के ऊपर मैंने कल जिम्मेदारी छोड़ी थी वहां से आने के बाद कि आप तय कर लें कि आप हमें गठबंधन में चाहते हैं, क्योंकि बात सीटें और ये सब चीजें कई मायने रखती हैं। कल हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि उनकी सरकार बन जाए तो उनमें हमारे हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी। कुछ मुद्दों पे वो, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस पे नहीं करेंगे। तो हम दलितों और पिछड़ों के लिए चाहते थे कि भाई प्रमोशन रिजर्वेशन के बिल पे स्थिति साफ करें, बैकलॉग पे। कहने से नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा जवाब, आपको नोट बना के देना पड़ेगा। हमारा यह था कि आपको कहनी पड़ेगी मजबूती से बात कि हम करेंगे। पिछली बार जिस तरह से माननीय काशीराम साहब के साथ धोखा हुआ कि उन्होंने माने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया और वो फिर ठगे से रहे कि मैं इनका वजूद बना के जो है ना अपने लोगों को कमजोर नहीं कर सकता हूँ, उनके हितों की रक्षा के लिए चुप नहीं रह सकता हूँ, मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता कि कल, अभी तो सरकार बनी भी नहीं है, कि मैं अपने लोगों की हत्याओं पर, तमाम तरह की समस्याओं पर चुप हो जाऊं, मैं नौजवानों के बेरोजगार के मामले चुप हो जाऊं, ये मुझसे नहीं हो। बात के ऐलान के बाद अगर अखिलेश जी का फोन आता है तब आप क्या करेंगे? अभी आपने कहा अखिलेश जी ने फोन नहीं किया, अगर आपके ऐलान के बाद अखिलेश जी का फोन आता है तब आप क्या करेंगे? फोन नहीं किया ना, जिनको जिम्मेदारी लगाई थी उनके साथ बात नहीं की। दरवाजे बंद हो चुके हैं क्या आपकी तरफ से समाजवादी के लिए? राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, जो लोग एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा कराते हैं वो भी साथ लड़ जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव 5 सीटें देने को तैयार थे, 3 सीटें जो हैं वो आजाद समाज पार्टी को और उनके 2 कैंडिडेट को सपा के निशान पर चुनाव लड़ाने को तैयार थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब सवाल उठता है कि क्या दलितों के बिना यूपी में महागठबंधन मुमकिन है और कोई जीत दलितों के बिना हासिल की जा सकती है? तीसरी खबर की ओर रुख करते हैं। तीसरी खबर है कि अखिलेश यादव ने कहा कि अब वो किसी को भी गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। चंद्रशेखर के अलावा आज अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गठबंधन को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है और सहयोगियों के लिए काफी सीटों का त्याग कर दिया है, लेकिन अब वो किसी पार्टी को, किसी भी दल को अपनी इस गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवभूमि से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा, अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी
और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। दो सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया, अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। तो योगी गोरखपुर पहुंच चुके हैं और आज की चौथी खबर भी गोरखपुर से ही आई है। चौथी खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर आज विराम लगा दिया। पार्टी की ओर से बताया गया कि आदित्यनाथ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को बीजेपी के सीनियर नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज जिले के सिराथू से टिकट दिया गया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं ताकि हिंदुत्व को भुनाया जा सके, लेकिन अब गोरखपुर से ही उनके नाम को फाइनल कर दिया गया है। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी ने आज 107 कैंडिडेट्स की सूची जारी की है। इस लिस्ट में 83 सिटिंग विधायक थे। बीजेपी ने 83 में से 63 विधायकों को ही टिकट दिया है, यानी 20 विधायकों के टिकट जो है बीजेपी ने काट दिए। बीजेपी ने नोएडा से मौजूदा विधायक पंकज सिंह, जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनको टिकट दिया है, जबकि लोनी से नंद किशोर गुज्जर को टिकट दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर मौजूदा विधायकों को ही बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने पहले ही लिस्ट में 20 विधायकों का टिकट काट दिया, जिसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि उनके जीतने की गुंजाइश बहुत कम रही होगी। यानी मतलब साफ है कि यूपी का मूड बीजेपी के खिलाफ है और जनता बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में है। शायद इसीलिए बीजेपी अपने सिटिंग विधायकों की जीत पर भी भरोसा नहीं कर पा रही। छठी खबर यह है कि आरएलडी ने भी आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जयंत चौधरी ने आज आरएलडी के 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की आरएलडी को कुल 26 सीटें दी हैं। गठबंधन में आरएलडी और समाजवादी 7 हैं और आरएलडी को कुल 26 सीटें दी हैं। कल आरएलडी और एसपी की संयुक्त लिस्ट आई थी, जिसमें आरएलडी के 19 उम्मीदवार थे और 7 नाम आज सामने आ गए, यानी कुल 26 सीटों पर आरएलडी के जो कैंडिडेट हैं वो लड़ेंगे। थाना भवन से अशरफ अली, बुढ़ाना से राजपाल बालिया, मीरापुर से चंदन चौहान, मुरादनगर से सुरेंद्र कुमार मुन्नी, शिकारपुर से किरण पाल सिंह, करौली से प्रमोद गोड़ और इगलास से बीरपाल सिंह दिवाकर को आरएलडी ने उम्मीदवार बनाया है। किसान आंदोलन का फायदा हो सकता है, ये लग रहा है कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी को किसान आंदोलन से फायदा हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के जो खासकर जाट किसान हैं वो बीजेपी से नाराज हैं, योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं और उसका फायदा जयंत चौधरी को मिल सकता है। हालांकि जयंत चौधरी ने 2017 के चुनाव में बहुत बुरा उनका प्रदर्शन रहा था, लेकिन इस बार ज्यादा सीटें उन्हें दी गई हैं, जिसका साफ मतलब है कि पश्चिमी यूपी में खासकर जाट आंदोलन की वजह से ये मानकर चल रही है समाजवादी पार्टी कि आरएलडी को इसका फायदा होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सातवीं खबर ये है कि कैराना से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन को आज यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाहिद हसन आज नामांकन भरने जा रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने रास्ते से उन्हें धर लिया। उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया है। नाहिद पर अक्टूबर 2019 में पुलिस थाने में पुलिस से भिड़ने का आरोप है, लेकिन अचानक हुई कार्यवाही से सवाल उठता है कि क्या ये सब चुनावी रंजिश के चलते तो नहीं किया जा रहा। आठवीं खबर का रुख करते हैं। आठवीं खबर यह है कि रवि किशन ने गोरखपुर में दलित के घर भोजन किया है। यूपी में पिछड़ों से भरोसा खो चुकी बीजेपी अब दलितों पर डोरे डाल रही है। आज गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक दलित के घर जाकर खाना खाया, लेकिन उनकी तस्वीर देखकर ऐसा लगा जैसे मानो उन्हें मार पीट कर बैठाया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मानो रवि किशन को एक दलित के साथ खाना खाकर कोई खुशी नहीं है, जबरदस्ती उन्हें वहां बिठा दिया गया है। वैसे बीजेपी वाले दलितों के घर उनके बर्तन में नहीं खा रहे, घर से पत्तल लेकर जा रहे हैं, यानी खाना खाओ और पत्तल को फेंक दो। कौन जानता है कि खाना भी खुद ही लेकर जा रहे हो और किसी दलित के हाथ लगाए बिना ही उसे खाकर फोटो खिंचवाकर वहां से रवि किशन जैसा मुंह लेकर निकल लेते हो।
कल योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में दलित कार्यकर्ता अमृत लाल भारती के घर पहुंचे थे, लेकिन सवाल यही है कि लेटरल एंट्री में बिना परीक्षा लिए देश का टॉप अफसर बनाना हो तो घोष, दुबे, गोयल, सक्सेना, वाजपेयी मिश्रा, जगदले सिंह कुमार और चुनावी मौसम में मुफ्त का खाना हो तो चले जाते हैं दलितों के घर, यानी वहां तो सब इनका खा जाएंगे लेकिन दिखावे के लिए इस तरह का दलित प्रेम जो है वो दिखाते रहेंगे। गजब का दलित प्रेम है भाई आपका, लेकिन दलित इन सब झांसों में नहीं आने वाले। नौवीं खबर की ओर रुख करते हैं। नौवीं खबर ये है कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की जल्द ही रिहाई हो सकती है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम की रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और खबर आ रही है कि अदालत से जमानती भरने के बाद उनकी रिहाई के आदेश सीतापुर जेल पहुंच चुके हैं। अब वो जेल से रिहा हो जाएंगे। प्रदेश में चुनावी मौसम है तो ऐसे में अब्दुल्ला आजम अपने पिता की गैर मौजूदगी में उनके चुनाव के साथ ही पार्टी का सियासी मोर्चा भी संभालेंगे। अब्दुल्ला आजम साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के टिकट पर स्वार टांडा से चुनाव लड़े और उन्होंने ये चुनाव नवाब खानदान के नवेद मियां, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें हराकर जीत भी लिया था। सूबे में लेकिन सत्ता बदल गई, अखिलेश यादव की जगह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके चुनाव पर ही उंगलियां उठी, शिकायतें हुई और दो दो जन्म प्रमाण पत्र और दो दो पैन कार्ड के एक मामले में उनकी जांच हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी ही चली गई, वो जेल में चले गए। अब्दुल्ला फरवरी 2020 से पिता आजम खान के साथ सीतापुर की जेल में बंद थे। आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं, लेकिन वो अब फिलहाल जेल में हैं, उनकी तबीयत भी खराब है। ऐसे में जो चुनावी माहौल है उसमें आजम खान की कमी को महसूस किया जा रहा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि जो अब्दुल्ला हैं वो अपने पिता की बागडोर को संभालेंगे। दसवीं खबर की ओर रुख करते हैं कि 22 जनवरी तक फिजिकल रैलियों पर रोक जारी रहेगी। विधानसभा चुनावों वाले राज्यों में बड़ी रैलियों पर जो रोक लगी थी वो 22 जनवरी तक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है, तो आज की बड़ी खबर आई है। आज चुनाव आयोग ने एक मीटिंग में रैलियों पर रोक को लेकर चर्चा के बाद इस फैसले पर मुहर लगा दी कि अब जो बड़ी रैलियां हैं वो 22 जनवरी तक नहीं होंगी। बैठक में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों और मौजूदा को लेकर मंथन चला। इससे पहले चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के ऐलान की घोषणा की थी, उसके साथ कहा था कि 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगी रहेगी और उसके बाद हम इसका जो है वो मूल्यांकन करेंगे और फिर बताएंगे कि रैली की जाए कि ना की जाए। लेकिन अब 22 जनवरी तक कोई भी बड़ी रैली इन चुनावी राज्यों में नहीं हो पाएगी। कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। आज की बड़ी खबर आई। तो ये थी आज की यूपी की 10 बड़ी पॉलिटिकल अपडेट्स, बड़ी खबरें, जिसको हमने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी गुणा भाग के सीधे आप तक पहुंचाया। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, ये खबरें कैसी लगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखे। और यूपी के चुनाव से जुड़ी किसी भी बड़ी खबर को जानने, उसके विश्लेषण, उसके सियासी मायने समझने के लिए द न्यूज़ वीक को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, यूपी किसकी सेगमेंट के जरिए हम रोजाना इस तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।